आज जो धारा 59 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट धारा 59, 61 कैपिटल ए, वो ये कहती है कि चुनाव का कानून है पेपर बैलेट से चुनाव कराने का। ईवीएम के माध्यम से वही चुनाव हो सकता है जहां एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये खास वजह बताए कि यहाँ पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, और इसीलिए कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट आज तक नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स ऐसी हैं कि ईवीएम से भी चुनाव हो सकता है अगर वीवीपैट हो, अगर ये हो, अगर वो हो। तो अगर ये वो की ज़रूरत ही क्या है, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, ना वीवीपैट की ज़रूरत है, ना किसी ये वो उस तुम लंप, ये सब कुछ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया चुनाव ईवीएम से होगा, अब क्या होगा? तो अब बेईमानी करने पे कोई उतारू है देश की जनता का नौकर, तो जनता उसके सामने खड़ी होकर उसको बेईमानी करने से रोकेगी ना। किसी भी व्यक्ति को जब कानून ये कहता है पेपर बैलेट से चुनाव होना है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पेपर बैलेट से क्या क्या प्रॉब्लम है, वो मुख्य मुद्दा है। ईवीएम मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा एक ही है कि पेपर बैलेट से किसे प्रॉब्लम है जो चोरी नहीं करना चाहता। अब पेपर बैलेट के खिलाफ एक आर्गुमेंट ला के दिखा दे इलेक्शन कमीशन, मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी, कोई भी, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं होने। पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम सबका साथ दें जिसकी शुरुआत हो गई है, तो पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो सभी लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी में जानकर या अपने आप भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर जीतने में आसानी होगी। लेकिन ये मुद्दा नहीं छोड़ना है, ये मुद्दा है, बल्कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में जो गए हैं हमारे मित्र, एक हम उनसे गुजारिश ये करेंगे कि उनकी पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव जी, वो भी तो ईवीएम के खिलाफ हैं, उन्हें इस मोर्चे के साथ लाएं। हम तो, हमारे साथ तो एक से बढ़कर एक चेहरे जो लड़कर इस सरकार की नाक में दम किए हुए हैं, ऐसे चेहरे हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ना जीते, हम तो सब लोगों के साथ कैंपेनिंग करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुद्दा मेन ईवीएम है, लेकिन मुद्दे तो बेरोजगारी हैं। मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस बीजेपी किसी भी मुद्दे को दरकिनार क्यों कर पा रही है, क्योंकि उनके पास ईवीएम है। तो ये बुनियादी मुद्दा नहीं छोड़ना, हम अपनी सारी ताकत आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ झोंक देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति हमारा प्रयोग करना चाहता है, हम लोग तो इस वक्त जनता हमें ईमानदार मान रही है, तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत कर रही है, हम लोग उनके आगे खुद निवेदन करते हैं कि आओ, ये गौतम साहब हैं, इन देखे कितनी ज़बरदस्त अभी इन्होंने बात कही, कितनी लॉजिकल बात कही। ऐसे हमारे पास दसियों, बीसियों, पचासियों लोग हैं देश के कोने कोने में, हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी सर्विसेज ओपन है, आए हमसे सर्विस लें, लेकिन किसी भी तरीके से हम सब मिलकर आरएसएस और बीजेपी को रोकें। ईवीएम से ही रुकेगी, सबसे आसान तरीका है, वरना 20 से 30% के आसपास ये ईवीएम के माध्यम से धांधली कराते हैं, वरना और मुश्किल हो जाएगा काम। ये मुश्किल को आसान करना, ईवीएम को रोकना है, उसके बाद सब रास्ते आसान हैं। तो हमारी सर्विसेज, सबकी सर्विसेज जो हम संघर्ष कर रहे हैं, सारी ऐसी पार्टियों के साथ हैं, हमारी ओपन सर्विसेज सबके साथ हैं जो आरएसएस और बीजेपी को रोकते हैं। और आरएसएस और बीजेपी से हमारी एक ही लड़ाई है, वो संविधान को मिटाना खत्म कर दें, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत बंद कर दें। हम उनको इतनी शिद्दत से फिर मुखालफत नहीं करेंगे, वो संविधान के खिलाफ है इसलिए हम, वो देश के खिलाफ है इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। आज वो देश से दुश्मनी छोड़ दें, आज वो चाइना के साथ जो वो डर दिखाते हैं, उनके खुद के नेता कहते हैं, वो छोड़ दें, हम उनकी इतनी मुखालफत नहीं करेंगे, नॉर्मल मुखालफत करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो ईमानदार पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग का सम्मान कीजिए सर, रात भर जग करके उन्होंने शेरो शायरी लिखी है। हम चुनाव आयोग का सम्मान ही कर रहे हैं, इसीलिए जो व्यक्ति चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के पद पे बैठा है उसको बेईमान बता रहे हैं। हम चुनाव आयोग की रक्षा करना चाहते हैं, किसी बेईमान व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पे नहीं देखना चाहते। हमारी लड़ाई कुमार साहब से, चुनाव आयोग तो हमारा है, हम है चुनाव आयोग। ईवीएम के माध्यम से भी चुनाव सुरक्षित हो सकते हैं, तो ये कोई जजमेंट पेपर बैलेट के ही फेवर में सारा कानून, सारी जजमेंट्स हैं आज भी, एक्सेप्शन के था। क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है मैटर। देखिए, बहुत सारे मुकदमे तो बहुत सारी वजहों से लड़े और हारे जाते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। आज सीधी सीधी बात यह, एक जजमेंट ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित नहीं हो सकते। ईवीएम के लिए पूरी दुनिया में के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में ऐसी जजमेंट्स हैं कि उससे चुनाव सुरक्षित नहीं हो सकते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?